और एक जरूरी खबर और सीधे आपसे जुड़ी हुई, केंद्र सरकार रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को लेकर काफी गंभीर है और इस एक्ट को 1 मई से लागू करने की बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय हाउसिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने पिछले हफ्ते सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी है और इसके जरिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकार को रियल एस्टेट एक्ट लागू करने के लिए तेजी से तैयारियां करने को कहा है। केंद्र ने सभी राज्यों को 30 अप्रैल तक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने को कहा है और साथ ही अपील ट्रिब्यूनल का भी गठन करना होगा। केंद्र ने राज्यों को यह भी हिदायत दी है कि संसद में पास बिल के मुताबिक इसे लागू किया जाए। सरकार की मंशा है कि नए एक्ट के तहत ग्राहकों को 1 मई से राहत मिलनी शुरू हो जाए। अब तक सिर्फ 4 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने रियल एस्टेट रूल्स को नोटिफाई किया है। ২০২২ तक हर परिवार को घर देने का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए 2 स्लैब बनाए गए हैं। दोनों स्लैब मौजूदा 15 साल की जगह अब 20 साल की अवधि तक के होम लोन पर लागू होंगे। यानी अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको 2.4 लाख रुपए का फायदा होगा, क्योंकि सरकार आपके होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देगी। फिलहाल सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को मिलती है। नई योजना के तहत अगर आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है तो 6 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 6.5% की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इससे आपके होम लोन की ईएमआई में करीब 2,219 रुपए की कमी आएगी और कुल ब्याज में बचत 2,46,625 रुपए होगी। वहीं अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए है तो आपको ब्याज पर सब्सिडी 4% मिलेगी और आपकी ईएमआई में 2,158 रुपए की कमी होगी। इसके अलावा अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए है तो आपको ब्याज पर 3% सब्सिडी मिलेगी और आपकी ईएमआई में 2,200 रुपए की कमी आएगी। दरअसल लोन की राशि कितनी भी हो, सब्सिडी 6 लाख रुपए तक के मूलधन पर ही मिलेगी। इससे ज्यादा की रकम पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। आज तक अगर हम देखें जो भी स्कीम लागू हुई है वो हमेशा EWS और LIG सेगमेंट के लिए हुई है। इस स्कीम में उन्होंने थोड़े से ऊपर तबके के लोगों के लिए भी एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी लाई है, जिसमें वो 12 लाख 18 लाख तक की सैलरी वाले लोगों को भी एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मिलेगी। जितने भी पहली बार घर खरीद रहे हैं, जिन्होंने आज तक घर नहीं खरीदा, पहली बार घर खरीद रहे हैं, उनकी सैलरी चाहे 12 हो या 18 हो, उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंटरेस्ट में सब्सिडी दे रही है, जिसका एक बहुत इंपैक्ट आएगा। आई थिंक इससे जो बहुत सारे लोग जो घर नहीं खरीद पा रहे थे वो घर खरीदना चाहेंगे। 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 सब्सिडी स्कीम्स की घोषणा की थी, लेकिन अब इस स्कीम पर पूरी तरह से पिक्चर साफ हो गई है। नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको को सब्सिडी स्कीम्स को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कम आय वालों को सब्सिडी देने की योजना के तहत सरकार ने अब तक घर खरीदने वाले 18,000 लोगों को कुल 310 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी है। अब देखना यह है कि इस योजना से 2022 तक कितने लोग अपने आशाने का सपना पूरा कर पाएंगे।